बताऊं कि एक तो अपने मन से ये बात अपन निकाल दें कि हम कोई राजनीति की बात कर रहे हैं। देश नीत, राष्ट्र नीत और राष्ट्र में परिवर्तन की बात करना राजनीति नहीं है, राइट? और जिस चीज से आपका पूरा इकोसिस्टम गवर्न हो रहा है, आप अपने जो है ध्यान से बाहर आके जिस चीज सिस्टम में आप रह रहे हैं, जो हमको प्रताड़ित कर रहा है, जो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे कायम कर रहा है, हमारी सही बात नहीं सुन पा रहे हैं, यदि बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना कोई चुनाव प्रचार किए, बिना कुछ किए, सिर्फ लोगों को जोड़ के यदि हम ये महापरिवर्तन कर सकते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये महापरिवर्तन हमें करना चाहिए? क्योंकि 21 लक्ष्यों में हम निरोगी भारत को पैदा कर पाएंगे, दीर्घायु भारत को पैदा कर पाएंगे, सभी जड़ी बूटियां आ पाएंगी, पूरा चिंतन बदल जाएगा। क्योंकि अभी तो हमारे दुष्ट राजनेताओं ने अंग्रेजों के वो नियम हमारे ऊपर थोप के रखे हैं, जो अंग्रेजों की घोषित पॉलिसी थी कि भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करना है, अपमानित करना है, उनमें हीन भावना पैदा करना है और उन्हें प्रक्रिया में फंसा के रखना है। अब आप ये बताइए, एक छोटा सा ऑफेंस हुआ, उसमें दो चार बयान होंगे, एक दो दस्तावेज होंगे, उस पे एक ही दिन में विचारण होके उसी दिन न्याय क्यों नहीं मिल सकता है? मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? हाँ, मिलने को मिल सकता है अगर प्रक्रिया में बदलाव होगा तो। नहीं तो प्रक्रिया में बदलाव कौन करना है? हमको करना है। ये राजनेता तो करेंगे नहीं, इन्होंने तो थोप के रखी हुई है। तो यदि बिना 5 पैसे खर्च किए, सिर्फ हम अपने लोगों को जोड़ के, बिना कोई पॉलिटिक्स किए, बिना किसी से वोट मांगे, सिर्फ लोगों को ये कह के कि ऐप के माध्यम से क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ो, यदि आपको अभी बात समझ में नहीं आई है तो विचाराधीन सदस्य जुड़ जाइए, बात समझ में आ गई तो शपथकृत सदस्य जुड़ जाइए, और नहीं तो चंद्रगुप्त बन जाइए। चंद्रगुप्त बन जाएंगे तो फिर आप जो है मेरिट लिस्ट में आ गए तो मुख्यमंत्री भी बनेंगे, यदि सोच में वो है तो वो भी कर सकते हैं। और चाणक्यों की फौज, उसकी जिम्मेवारी है कि टेक्नोलॉजी और कानून लाके आप जमीन पे उतारे उनको। तो जैसे हमारा ओरिजिनल चंद्रगुप्त था, वो दो चीजों से बंधा हुआ था, एक अपने गुरु चाणक्य से और दूसरा अखंड भारत के दिव्य स्वप्न से, राइट? और आज का जो चंद्रगुप्त है, जो हमने अपना नया चंद्रगुप्त की बात कही है, ये चंद्रगुप्त भी दो चीजों से बना हुआ है, अपराध मुक्त भारत मिशन से और अपराध मुक्त भारत मिशन के 21 लक्ष्यों से। तो गुप्ता जी, अपन कैसे जो है ना इस चीज को पहुंचाएं और लोगों को जोड़ें, क्योंकि इसमें 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, किसी से आप वोट भी नहीं मांग रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, और गुरुजी ने जो भी भविष्यवाणियां की हैं, जो भी कहा है, वो जमीन पर भी उतर रहा है, तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपका क्या सोच है? नहीं, मेरा मतलब विचार ये एक्चुअली जो गायत्री परिवार की बात है, तो हम लोग नॉर्मली क्या है कि हमारा जो हेडक्वार्टर है शांति कुंज, वो हाँ जो प्रोग्राम देता है, जो विचारधारा देता है, उस पे हम लोग काम करते हैं एक अनुशासित उसके हिसाब से, कार्यकर्ता के हिसाब से। तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये तो होगा अगर जो है ना हम ये अभी चिंतन। हम जो है हाँ आपके वहां होके आए हैं, और जो चिन्मय जी से नहीं, आपकी बातचीत हुई? चिन्मय जी से तो वो बाहर थे, ही वॉज नॉट इन हेडक्वार्टर, हाँ, एक लेकिन बार आप जो है नहीं ना, नहीं लेकिन मेरी जो है मिस्टर महेंद्र शर्मा जी से बातचीत हुई है, जो नहीं वहां महेंद्र से। शर्मा जी से तो हुई है, वो अच्छी बात है, वो वहाँ के व्यवस्थापक हैं, है ना। हाँ। लेकिन कुछ जो डिसीजन लेने वाली बात है, जो पॉलिसी निर्धारण, तो वो मैं कह उस रहा लेवल हूँ से नहीं होगा। वो तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब वो उपलब्ध हो जाए तब कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो आप वहां पे जो है ना हाँ एक्चुअली एक बार संपर्क करके उनके दिमाग में या उनके उसमें डालिए बात जो आपका चिंतन है, और फिर क्या है कि वहां से अगर कोई बात निकलती है तो पूरे देश में वो एक मतलब उस पॉलिसी के रूप में जाती है, नीति निर्धारण उसके कार्यक्रम जाते हैं, और फिर वो काम आसान हो जाता है। क्योंकि एक बार अगर वहां से ये बात हो जाती है, इंडिविजुअल लेवल पे जो अगर अपन बात करते हैं, तो फिर उसमें ये होता है कि भाई ये हमारे संस्था को मान्य है कि नहीं। इंडिविजुअल तो आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन संस्थागत रूप से तो संस्था मैं के ये जो कह रहा हूं अनुशासन है। कि जब तक जो है संस्थागत निर्देश चिन्मय जी से नहीं आते हैं, तब तक व्यक्तिगत स्तर पे किया जाए और हम चिन्मय जी को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो मेरे हाँ, ख्याल से इंदौर ही आए हुए थे। मैं चेक करता हूँ अभी कहाँ है वो, इंदौर आए थे, वो तो चले गए इंदौर से। अभी कहाँ है वो?
अब तो शांति कुंज में है इस समय। हाँ तो मैं अभी उनसे फोन पे बात करने की कोशिश करता हूँ, हाँ और उनसे उनसे उनको उनको जो है यदि वीडियो कॉन्फ्रेंस या कुछ हो सकता है तो वो भी बात करने की कोशिश करता हाँ, हूँ। और या कभी आपका वहां जाना हो जब अभी वो तो मैं उपलब्ध हो, वहीं से होके आ रहा हूँ। नहीं उनकी उपलब्धता को देखते हुए कि कब उपलब्ध हैं वो, हैं तो एक बार अगर आप उनसे मिलेंगे तो डेफिनेटली वो भी, देखिए क्या है ये सब विचारों को पोषण करते हैं, लेकिन बात यह है कि एक बार बैठ के आमने सामने बात हो जाए, बहुत साक्षरता मिशन वाले जुड़े हुए हैं, ऐसे कई लोग वहां जाके, तो वो क्या होता है कि पूरी शाखाओं में वो प्रसारित हो जाती है बात, और वो उसका वेटेज भी लेते कि हम लोग किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने मुख्य मूल उद्देश्यों के साथ साथ, आपका तो वो सुझाव जा बहुत अच्छा है, हाँ मैं उनसे बात करता हूँ और हमारी ये बातचीत रिकॉर्ड भी हो रही है तो ये भी मैं उन तक पहुँचाऊँगा। तो उन्हें और महेंद्र जी को भी मैं याद दिलाता हूँ, और चिन्मय जी के जो व्यक्तिगत लोग जिनको जिनको वो क्योंकि कंट्रोल कर। महेंद्र जी भाई साहब जो है ना वो वहां की व्यवस्था देखते हैं एक्चुअली शांति कुंज की, हाँ, लेकिन जो पूरे देश का जो तंत्र है ना वो उनसे ऊपर वाली बॉडी है, जिसमें हमारी आदरणीय दीदी सेल दीदी डॉक्टर साहब डॉक्टर प्रणव पांड्या और वर्तमान में हमारे जो डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, इनका रोल अभी जो है ना ज्यादा महत्वपूर्ण है पॉलिसी निर्धारण में। चलिए मैं उनसे अभी बात करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? और मैं स्वयं भी जो है ना अगस्त के बाद शायद वहीं शिफ्ट हो रहा हूँ अच्छा हरिद्वार, हाँ अच्छा यहाँ से भोपाल से परमानेंटली, ओके ओके तो क्योंकि ये भी बहुत मेरी वहाँ पे मतलब मांग हो रही है कि आप यहाँ आ जाइए, तो मैं ज्यादातर अगस्त में यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं, अगस्त तो बहुत दूर है, अभी अपन अभी हाँ करेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है ना? हाँ हाँ अभी बहुत दूर है, ठीक है? नहीं हाँ चलिए चलिए, मैं बातचीत करता हूँ, है ना? हाँ आप वहाँ थोड़ा सा संपर्क करके मैं और कोशिश करता अपनी, हूँ कि हाँ हाँ देखिए, चिन्मय जी से आप जो है ना ये अपनी बात रख मैं पाए। अभी बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ, है ना? ठीक ठीक ओके भाई साहब, ओके, प्रणाम। जय जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।